वालेकुम दोस्तों जी, क्या हाल है, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों वीडियो का आगाज़ करते हैं जी, आपको आप कबूतरों और मुर्गों का शौक़ करवाते हैं जी। अभी मोरों को भी हमने दाना डालना है, वो भी आपसे शेयर करेंगे जी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। आपको दिखाते हैं जी कबूतर वगैरह सभी आए। ये देखें दोस्तों, अभी सभी हमने कबूतर बाहर निकाल दिए हैं जी। मुर्गे भी हमारे दोस्तों घूम रहे हैं, वो हमारी रशियन और गब्बर बैठा हुआ है जी सामने आपके। रशियन हमारी फिर हीट पर आ गई है दोस्तों, अनकरीब इंशाल्लाह फिर ये बच्चे देगी आपसे, वो भी शेयर करेंगे जी। ये देखें कबूतर हमने दोस्तों निकाले हैं, तो हमारे मुर्गे जो है ना वो खुड्डे में घुस गए हैं जी। ये देखें अंदर जो है ना सफ़ेद पट्ठा हमारा दोस्तों, हीरा मुश्का और सफ़ेद हीरा पट्ठा खुड्डे के अंदर दोस्तों चले गए थे, अभी बाहर आ गए हैं, हमने इनको निकाल दिया जी। वो अंदर असल में ना कीड़े मकोड़े इनको होते हैं, तो इसलिए ये अंदर चले जाते हैं। दाना हम लेकर आ गए ऊपर, पानी हमने सुबह ही चेंज किया था, तो अभी इनको दाना डालते हैं जी। कबूतरों को भी डालेंगे, हमने रैबिट इधर बंद किए हैं दोस्तों, आपको दिखाए थे पिछली वीडियो में, इनको इधर बंद कर दिया क्योंकि उधर हमने मोरों को छोड़ दिया जी, इस वजह से इनको हमने इधर बंद कर दिया। मुर्गे जो हैं दोस्तों हमारे जो है ना कबूतरों को मारते हैं, आज देखते हैं फिर ये हीरा हमारा बड़ा मुर्गा है ना, ये देखें जी फिर दोस्तों ये मार रहा है। ये हमने गलती कर दी है, दाना इस तरह नहीं डालना चाहिए था, ऐसा ना उन्होंने किसी कबूतर को ये पकड़ के मारे तो फारग ही कर दे। दोस्तों ये दाना नहीं हम डालते क्योंकि ना ये कबूतर हमारे ज़ाया होंगे दोस्तों, क्योंकि ये हमारा हीरा जो नर है ना इसने ज्यादती करनी है। दाना जो है ना हम खुडे के अंदर डाल देते हैं दोस्तों, कबूतरों को बंद कर देते हैं इधर। जो हमारा हीरा नर है इसको दोस्तों गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ये मारने लग पड़ता है कबूतरों को। तो कबूतर दोस्तों ज़ाया ना कर दे, दाना अंदर डाल दिए जी, सभी चले गए अंदर, ये पट्ठा एक बाहर रह गया, ये भी चला जाएगा, चला गया अंदर। कबूतरों का बंद दरवाज़ा हम दोस्तों बंद कर देते हैं। मुर्गों को अब दाना डालते हैं जी। ये कबूतर हमने दोस्तों बंद कर दिए हैं, ये हीरा मुर्गा जो है ना ये आपके सामने दोस्तों पकड़ पकड़ के किस तरह मार रहा था जी कबूतरों को। इस पट्ठे के ऊपर इसने पर जो है ना सुबह हम लेट थोड़ा से निकालते हैं, तो इसके पर इसने ऊपर से उड़ा दिए जी मार मार कर। वो सफ़ेद को तो ये नहीं मारता, मुश्के को मारता रहता है हीरा पट्ठा। हमारा हीरा बड़ा मुर्गा पता नहीं इसको क्या मसला है जी। ये देखें जी गब्बर आ रहा है, मुझे लगता है इसने पानी पीना है। रशियन हमारी सो गई है जी, रात को बिल्लियाँ वगैरह आती है उनको दौड़ाती रहती है सारा रात, सारी रात जैसे ने ये थक जाती है। कबूतरों ने दाने दोस्तों खा दिए हैं जी, दो मैंने डाले थे, फिर और थोड़े से डालते हैं। चलें जी बहुत हैं, अब हम मोरों को जाके डालते हैं दोस्तों। मोरों का दोस्तों हमने दरवाज़ा खोल लिया जी, ये बेम दाना डाल के अंदर जाकर टिच्चे मारे, मोर हमारे घूम रहे हैं दोस्तों अंदर। देख रहे हैं जी
सफ़ेद पट्ठा हमारा मोर के ऊपर चढ़ गया जी। नहीं दोस्तों, हमने लाना था वो हम नहीं लाए, वो भी लाते हैं, पानी इनको डालते हैं जी, फिर आपसे शेयर करते हैं क्योंकि पानी गंदा हो चुका है दोस्तों। और दोस्तों स्टेलियन को पानी ताज़ा डालना चाहिए क्योंकि पानी अगर ये अंदर बीठे वगैरह कर देती हैं तो पानी ख़राब हो जाता है, उस वजह से ये दोस्तों बीमार हो जाती हैं। पानी ताज़ा दोस्तों दिन में एक दफ़ा हर हाल में डालना चाहिए। अभी डालते हैं जी, पानी लाते हैं फिर आपसे शेयर करते हैं। दाने इनको भी डालने हैं और हमने ये इनको भी डालना है, सिल्वर डब को भी, तो फिर आपसे शेयर करते हैं दोस्तों। चले आए दोस्तों, हमने डाल दिए जी मोर हमारा। दोस्तों ये देखें जी, पंख वगैरह सारे गिरा रहे हैं पुराने अपने, नई टेल निकालेगा इंशाल्लाह। ये हमें पर कल भी हमें मिले थे, आज फिर हमें मिले हैं, ये देख रहे हैं दोस्तों। ये अब सीज़न आ गया, अब तुम सारी फेंक रहा है, नहीं निकालेगा। देख रहे हैं दोस्तों सारे इसने अपने वो टेल जो सारी है वो सारी गिरा दी है। कुछ इधर पार पड़े हैं जी, ये सारे अपने पुराने जो पार हैं ना ये फेंक रहा है जी, नई टेल निकालेगा इंशाल्लाह, खूबसूरत लगेगी फिर, क्योंकि जब सीज़न में ये टेल नहीं निकालते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं जी। मोर जो है वो दुम से ही अच्छा लगता है, दुम अगर इसकी हो तो फिर ही ये खूबसूरत लगता है, वैसे तो ये मुर्गियों की तरह ही लगता है दोस्तों। देख रहे हैं जी, इनको भी दोस्तों दाना डाल दिया जी, सभी अपने परिंदों को। स्टेलियन का पानी ताज़ा और बाजरा हमने ऊपर डाल दिया जी। नीचे जो हम रखते हैं तो कीड़ियाँ आ जाती हैं, वो दाने में आ जाती हैं, फिर हमारी जो स्टेलियन है ये दाना नहीं खाती दोस्तों। जब बैठती हैं ऊपर, कीड़ियाँ ऊपर चढ़ती हैं तो फिर उड़ के ये ऊपर चली जाती हैं, दाना नहीं खाती। देख रहे हैं जी, इधर दोस्तों मुर्गों ने भी हमारे दाना खा लिए, ये देख रहे हैं जी। गब्बर हमारा इधर छाव पे आके बैठ गया जी, मुर्गों ने हमारा दाना खा लिया, सभी कबूतरों ने भी खा लिया, देख रहे हैं जी। खाकर सभी अंदर चले गए, कुछ अभी बाहर बैठे हैं जी। उम्मीद है जी दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मिलेंगे दोस्तों ऐसी अगली वीडियो के साथ, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।